रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। आज अपन टॉपिक क्लॉक का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें एंगल आपको मैं इसमें बेसिक भी बताऊंगा और वीडियो अंत तक देखना है। बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी आपको, जिसके माध्यम से आपको 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। दोस्तों देखना, पहला क्वेश्चन, 1:10 में घड़ी की दोनों सुइयां कौन बनाएगी? 1:10 में घड़ी की दोनों सुइयां कौन बनाएगी? अब फॉर्मूला तो देखना दोस्तों, फॉर्मूला तो ये बुक्स में भी आपको फॉर्मूला लिखा मिलेगा। तो देखना दोस्तों, इसमें मिनट लिखी है दोस्तों, 10 मिनट। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे, 60 गुना बजे बटे 2। ये किसका है फॉर्मूला? एंगल ज्ञात करने का, यानी कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे बटे 2। अब देखना दोस्तों, मिनट का मान 10 है, या मिनट का मान 10 है, 11 गुना 10 माइनस 60, बजे कितनी हुई है घड़ी में? 1 बजी हुई है। मैं 1 से मल्टीपल कर दूं और बटे 2, 11 को मैं 10 से गुणा करूं दोस्तों, 110 माइनस 60 गुना 1 से मल्टीप्लाई करूं 60 बटे 2, 110 से मैं 60 घटाऊं दोस्तों, कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50 में मैं 2 का भाग दूं, 25 डिग्री इसका आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 25। दोस्तों दोबारा देखना, मिनट की जगह कितना रखोगे? 10 मिनट है और बजे की जगह 1 बजी हुई तो 1 रख दोगे, 2 बजी हुई तो 2 रख देना। तो 110 माइनस 60 बटे 2, 50 बटे 2, 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 25 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 25 डिग्री आएगा। अब इसके बाद देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, 10:00, इससे पहले आप बेसिक जनरेटर कैसे आंसर आता है, 1 सेकंड में आंसर आएगा दोस्तों। देखना, मैंने आपको जब घड़ी शुरुआत में पढ़ाई तो उसमें कुछ ट्रिक बताई मैंने। अब दोस्तों, वो मिनट वाली सुई थी, वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही थी, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही थी, 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही थी? 6 डिग्री। और हवर वाली सुई आधा डिग्री बना रही थी, हवर वाली सुई आधा डिग्री बना रही थी दोस्तों। देखना, अब आपको एक हवर में मिनट कितनी होती है दोस्तों? 60 मिनट। एक हवर में कितनी मिनट होती है दोस्तों? 60 मिनट होती है। और 10 मिनट ये रही तो टोटल मिनट हो गई 70 मिनट। कितनी मिनट हो गई? 70 मिनट। ये हवर वाली सुई 70 मिनट काम कर चुकी है। आपको बताया, हवर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। 70 को मैं आधे से मल्टीप्लाई करूं, 70 2 से 70 कट गए कितनी बार दोस्तों? 35 बार। इसके बाद में 1:10 मिनट कितनी हो रखी है? 10 मिनट हो रखी है। कितनी मिनट हो रखी है? 10 मिनट है। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में दोस्तों मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 6 से। 10 से कितने हो गए दोस्तों? 60। 60 डिग्री हो गया। और आपको हवर वाली सुई तो 35 डिग्री चली और मिनट वाली 60 डिग्री चली, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 25 डिग्री का। कितने का है दोस्तों? 25 डिग्री। दोबारा देखना दोस्तों, आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री और हवर वाली सुई हाफ डिग्री यानी आधा डिग्री, और आपको टोटल मिनट वाली सुई 10 मिनट में काम किया और हवर वाली सुई 70 मिनट काम किया। तो 70 मिनट को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो 35 डिग्री, और 10 मिनट को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 डिग्री। 60 और 70, यहाँ 60 डिग्री आया और यहाँ 35 डिग्री। 60 और 35 में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 25 डिग्री। ये समझ में नहीं है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपके सामने काफी बुक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें आप मिनट की जगह मिनट रखना, बजे की जगह बजे रखना और 2 से डिवाइड कर देना, आंसर इससे भी कितना आएगा दोस्तों? 25 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 10:20 में घड़ी की दोनों सुइयां कौन बनाएगी? पहले अपने फॉर्मूले से करेंगे, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे बटे 2। मिनट कितनी है दोस्तों? 20 माइनस, बजे कितनी है दोस्तों? 10 बटे 2। 11 को मैं 2 से गुना करूं 220, 0 लगा। 60 को मैं 10 से गुना करूं 600 बटे 2। अब 600 से 220 गए दोस्तों, 380 बटे 2, यानी 2 से ये कट गए 19 बार, यानी 190 डिग्री। कितना है दोस्तों? 190 डिग्री, यानी पहला ऑप्शन। दोस्तों आप बेसिक तरीके से देखना, आपको बताया मिनट वाली सुई कितना मिनट है?
20 मिनट और 10 घंटे में मिनट कितनी होती है दोस्तों? आई आपको बताया कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 10 घंटे में मैं 60 से गुणा कर दूं 600 मिनट, तो ये हो गई कितने मिनट हो गई? 600 मिनट। और 20 मिनट एक्स्ट्रा चलिए मिनट वाली सुई 620 मिनट, कितनी हो गई? 600 मिनट। यानी हवर वाली सुई 620 मिनट काम कर चुकी है। आपको बताया हवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, यानी 620 को मैं आधे से गुणा कर दूं तो ये कितना है दोस्तों? ये 3 और ये 1 और 0 यानी 310 डिग्री। अब इसके बाद कितना है दोस्तों? 310 डिग्री। और मिनट वाली सुई आपको बताया एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है। एक मिनट में कितना बनाती है? टोटल मिनट है यहाँ 20, 20 को मैं 6 से गुणा कर दूं 6 गुणे 12 यानी 120। अब ये हवर वाली सुई तो 310 डिग्री और मिनट वाली सुई 120 डिग्री, 310 से 120 घटाऊं तो 190 आएगा। कितना आएगा? 190 आएगा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक मिनट में 6 डिग्री है और हवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री बनाती है। जितने आपको बजे हुए हैं उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना और मिनट को उसमें ऐड कर देना, यानी कितने मिनट आएगी दोस्तों? 10 को 600 और 20 मिनट एक्स्ट्रा थी आपके हो गई 620। 620 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कितना है दोस्तों? 310 डिग्री। और मिनट वाली सुई 20 मिनट चली थी, 20 को एक मिनट में 6 डिग्री बढ़ते, 20 को किससे बड़ा कर दूं? 6 से 120, दोनों के बीच में डिफरेंस 190 डिग्री। यानी दोस्तों इसका आंसर कितना रहेगा? 190 डिग्री। फॉर्मूले से करो तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 190 डिग्री। धन्यवाद। हां दोस्तों अगली टाइप अपना मिरर इमेज टाइप और जल प्रतिबिंब यानी वाटर मिरर इमेज टाइप। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जिसका नहीं आता, लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी मिरर इमेज टाइम का पूछ लेता है अपने एयरफोर्स देखे किसी में भी, तो दोस्तों ध्यान से देखना, मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय। क्या? वास्तविक समय। आपको पता है यहाँ क्या लिखा था मैंने? 2360 बुक्स में आपको 1160 मिलेगा, कभी 2360 मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप केवल एक संख्या 2360 रख लेना है इसको। कोई भी दर्पण का प्रश्न आ जाए तो हमेशा किससे कटाओगे आप? 2360 से। तो आप 2360 से कटाओगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन घड़ी में 1:10 हो रही है, या तो आपको लैंग्वेज में 1:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या आपको डायग्राम के माध्यम से ये क्वेश्चन देगा। 1:10 यानी किससे बैठाओगे आप दोस्तों? 2360 से 1:10 बैठा दोगे आप, 60 से 10 गए 50 और 23 से गए दोस्तों 22। आपको उस समय या तो 22:50 मिलेंगे यार दोस्तों, ये तो रेलवे टाइम हो गया, या आपको 10:50 मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, आप यहाँ 60 क्यों लिया, 24:00 क्यों नहीं लिया? दोस्तों ध्यान से सुना, 0:00 का काम करता है। किसका काम करता है? 100 का काम करता है। अपना एक आवर 60 मिनट का होता है, इस कारण मैंने 23:60 लिखा है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, हमेशा दर्पण का कोई भी क्वेश्चन आए 23:60 से बैठा देना। 2:40 बैठाए, 60 से 40 गए 20, 23 से 2 गए 21, यानी 9:20। या तो आपको ऑप्शन में 9:20 मिलेंगे या 21:20 मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 23:60 से आप क्या बताओगे दोस्तों? 8:41 60 जीरो से 1 गया यानी 9, 1 आसन यहाँ गई 5 हो गए, यहाँ 1 बज गया दोस्तों। अब यहाँ 13 से 8 गए कितने बज गए दोस्तों? 13 से 8 गए 5, 1 आसन यहाँ दे दी 1 बज गया, यानी 3:19। या तो आपको 15:19 मिलेगा मिरर इमेज टाइम, या आपको दोस्तों 3:19 मिलेगा। ज्यादा 99% 3:19 मिलेगा दोस्तों। कोई भी मिरर का प्रश्न आ जाए हमेशा किससे बताओगे? 23:60 से। इसकी अगली टाइप है दोस्तों वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम 18:30 से। यदि मिनट का मान 30 तक है, यानी 1:29, 1:30 तक है, तो हमेशा किससे कटाओगे? 18:30 से। यदि मिनट का मान 30 से
किससे अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों 30 यानी 31 मिनट भी आ गई तो किससे कटाओगे 17 90, यानी दोस्तों 60 मिनट ये इसको दे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो गए 30 तो पहले से थी और 60 मिनट हो गए 90 मिनट। अब देखना दोस्तों किससे कटाओगे, यहाँ 32 आया, क्या है 32 तो किससे कटेगा 18 30 से। 30 से 30 गए 0, 18 से 2 गए दोस्तों 16, यानी या तो ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा या 16 बजे, यानी इस काम में आपको 4 बजे मिलेगा या 16 बजे एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये देखना दोस्तों यहाँ कितने मिनट है दोस्तों 29 मिनट है तो ये 18 30 से कटेगा। 30 से 29 गए 0 1, 18 से 3 गए 15, यानी 3 बज के 1 मिनट इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखना है इसमें दोस्तों कितना है, ध्यान से देखना दोस्तों स्टार लगा है ना, इसमें 31 मिनट है यानी मिनट का मान 30 से ज्यादा हो वो किससे कटेगा दोस्तों 17 90, यानी 17 90 से क्या कटाओगे दोस्तों 18 8 बज के 31 मिनट, यानी 10 से 1 गया 9, 1 के 30 को आगे 4, 9 से 4 गए 5, और आप 17 से 8 गए दोस्तों 9 बज गए, कितने बज गए 9 बज के 59 मिनट, यानी दोस्तों कितना आया 9 बज के 59 मिनट इसका आंसर है दोस्तों, कितना है 9 बज के 59 मिनट दोस्तों। क्वार्टरली मेज टाइम आ गए तो 18 30 से और मिनट का मान 30 से अधिक हो तो 17 90, और अपन इस मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए किससे कटेगा 23 60 से दोस्तों। अगला वीडियो आपका जो आपका टॉपिक की मांग रहेगी वही आएगा, आप लोगों का कैलेंडर होगा दोस्तों, अगला वीडियो में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।